यूहन्ना 4:34 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। मैं ये नहीं बोल सकता। क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? पीछे हम प्रार्थना कर रहे थे, क्या हम इतने जोश से प्रार्थना करते हैं? क्या मैं इन सभाओं के बारे में थोड़ा भी चिंतित होता अगर ये हमारी नहीं थी, अगर वे हार्ट क्राई की तरफ से प्रायोजित ना थे और मैं उपदेश नहीं दे रहा होता? मैं मेरे लिए बहुत कुछ करता हूं, सब कुछ मैं अपने भोजन के लिए, ये बदबूदार है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा पाखंडी ठहरू अगर मैंने कहा ये शब्द मेरे हैं। पर यीशु हमेशा ये कह सकते हैं, मेरा भोजन, मेरी जीविका, वह चीज जिसके लिए मैं जीवित हूं, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। जो ज्यादा प्रार्थना में रहता है वो प्रभु के बारे में ज्यादा बताएगा उस मनुष्य की तुलना में जो ज्यादा प्रचार करता है। आपके पास प्रचार करने के काफी कारण हो सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से प्रार्थना करना यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और प्रभु के मेज से शुद्ध भोजन को खाना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इसे सीखते हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसे सुनो, हम वास्तव में यीशु के जैसे नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कठिन माप है? तराजू में एक तरफ पॉल वॉशर को रखें, दूसरी तरफ उस सिद्ध मनुष्य को, यीशु मसीह को रखें, ताकि उसके साथ मेरी तुलना हो। यही हमारा लक्ष्य है। यह कहा जा सकता है कि हमारी एकमात्र जरूरत है यीशु के जैसा बनना। सबसे खतरनाक प्रार्थना जो मनुष्य कर सकता है, परमेश्वर मुझे यीशु के समान बनाए, मुझे परवाह नहीं चाहे मुझे अलग कर दे, मुझे परवाह नहीं चाहे मेरी सेवकाई को तबाह कर दे, मुझे परवाह नहीं कुछ भी हो, मुझे यीशु के जैसा बनाए। ये अपने ऊपर मृत्यु को लेने के समान है। लेकिन तब फिर जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर ना जाए, और अगर यह मर जाता है तब यह फल लेकर आता है।